गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, किदां हो तुसी सारे। ते एक्चुअली मॉर्निंग अज हुई है मेरी 12:30 1 बजे, क्योंकि अज आके सो गए सीगे ते फिर हुण उठे हां। स्वाति ऑफिस जा चुकी है। अज दे व्लॉग च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। ये अज दा व्लॉग करदे हां, थोड़ी देर रेस्ट करदे हां, उस तो बाद फिर आपां शेफू नूं लै के आउणा, क्योंकि शेफू नूं छड्या होया होस्टल। सो ये किधर चली है पलटन? शेफू नूं लेन। आप कहां जा रहे हो? मैं गड्डी लेन। केड़ी गड्डी लैन? मेरी गड्डी फॉर्च्यूनर। और तू कहां जा रहा नीज? बस अब बोलती बंद। कहां जा रहे हो? तेरे मैं इनके तुम्हारे साथ। तो हम लोग जा रहे हैं अपने अपने काम। नक्कू जा रहा है शेफू को लेने, क्योंकि शेफू को 3 दिन हुए उसको हॉस्टल में छोड़ रखा था। ये नीरज हमारे साथ जा रहा है, टोनी बोल नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। इनको हमने छोड़ना है, इनके एक गाड़ी है जहाँ पे वहाँ पे ऑफिस में नहीं, गाड़ी वाली जगह पे छोड़ेंगे। और मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो लहंगा मैंने कल पहना था वो रेंटेड था, ऑनेस्टली बता रही हूँ। और उसे वापस करने जाना है, उससे पहले शेफू को पिक करते। सो गाइज, अभी हम शेफू को हॉस्टल से लेके आए हैं और देख सकते हो शेफू बहुत हुआ गंदा, तो इसको हम लेके आए हैं अभी पेट शॉप पे, और इसका एक अच्छा सा हम करवाते हैं शावर यहाँ पे, इसको नहलवाते हैं, गुड गुड बच्चा बना के घर लेके जाते हैं। सो हम लोग आए थे शेफू को नहलाने के लिए, शावर के लिए। तो जिस शॉप पे आए हैं आप ये बर्ड्स देख सकते हो, और ये मेरी आवाज़ सुनते ही चुप हो गए, बहुत बोल रहे थे ये लोग, बहुत ज़्यादा। तो इनकी आवाज़ सुनते सुनते हम चलते हैं अपने शेफू के पास, उसका चल रहा है आज स्पा। तो इधर शेफू की नाई नाई हो रही है। शेफू नहा लिया बच्चे? ये अच्छे से नहलाना था, अभी मिट्टी सी निकल रही है, वो देखो पैरों में नहीं निकल रही, साफ हो गया बिल्कुल। शेफू गंदा बच्चा बन गया, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ना वहां पे, वो गंदा हॉस्टल है ना, मेरे बच्चों को गंदा कर दिया। ये ब्लू वाली ले ले बेटा, भैया निकाल देंगे उनको बोल दे। तो इधर हमने शेफू को नहलाने के साथ साथ उसकी हार्नेस भी परचेज कर ली है, क्योंकि वो भी खराब हो रखी थी। ब्लू वाली निकाल देंगे भैया, हाँ अच्छी शॉप है ये, टॉयज भी है उनके नीचे, उनकी फीड वगैरह का काफी अच्छा है ये। एक बार इनको देखिए आप, कितने प्यार से ये झूला झूल रही है, देखो वाह। और ये वाला एक्वेरियम देखो कितना प्यारा है, ये वाली जो फिशिश है ये बहुत छोटी है। और यहाँ पे है इग्वाना, चिपकन जैसा चिपकन है अरमान और जी के घर पे, सेम वैसे ही है ये। इसका घर है बहुत बड़ा सारा, इस पर लाइट भी दे रखी है। शेफू का परफ्यूम ले लेना, कोई एक अच्छा सा ले रहा हूँ मम्मा। चलो चलो शेफू परफ्यूम लेते हैं, परफ्यूम नहीं नहीं कर ली बच्चे ने। ये जो आपने अभी शैम्पू लगाया है, ये जो फ्रेग्रेंस है अभी शैम्पू की है भैया? ये जो अभी इसमें फ्रेग्रेंस आ रही है शैम्पू की है? शैम्पू की भी है, परफ्यूम की। परफ्यूम जो यूज किया है ना वैसा सही दे दो, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर उससे भी बेस्ट मिले आपको तो चलेगा, तो बेस्ट वाला दे दो, सी वॉटर दे दो, और एक शैम्पू दे दो इसका अच्छा सा देना, शैम्पू भी अच्छा सा देना भैया, अच्छी सी खुशबू वाला। ये भी ले लो पाव क्लीनर, इससे पैर साफ हो जाए। चल शैम्पू, चलो बेटा। ये लिया आपने? नहीं ये तो नहीं लिया, ये नहीं लिया, लेना दे दो एक ये भी। नहीं, माउथ फ्रेशनर ये लेता नहीं है ना, इसके पास कुछ नहीं करना, खेलते खेलते इसके मुंह में एक स्प्रे करना है। हाँ बैड ब्रीथ होती है कई बार इसके ना, उन्होंने मेरे को लगता है नॉन वेज भी खिलाया होगा ना इसको वहाँ पे हॉस्टल में। कहाँ मिलता है, खा नहीं पाते 3-4 दिन, तो ये टेंशन में होते हैं ये डॉग, मैं लिख के गारंटी देता हूँ। इसने वैसे भी मेरे को लगता नहीं है कुछ खाया होगा, कुछ नहीं खाया इसने, कोई इसके खाने वाली चीज भी लेना, कुछ अच्छी खाता है। इंतजार में है अभी तक।
सही बात है, इसको कुछ अच्छा सा लेते हैं ना इसके लिए बिस्किट वगैरह। इसके लिए पिज्जा ट्रीट लेके जाऊंगी। हाँ डॉग्स का पिज्जा। हाँ तो ये खाता है, नॉर्मल पिज्जा भी खाता है। ये और भी टेस्टी है डॉग्स के लिए, और एक पीस दोगी इसका लंच हो जाएगा। चलो ये और ले लेना। नहीं ये मतलब कितने दिन चलता है? ये लगा लो दो, एक दिन में दो खिलाओ आप इसको, 12 पीसेस है तो एक हफ्ता आराम से निकलेगा। ले ले और क्या। तो आज हमने किए शैम्पू की शॉपिंग, देख सकते हैं आप ये परफ्यूम, उधर उसका पाव क्लीनर, आइसक्रीम, माउथ फ्रेशनर और शैम्पू और पिज्जा, पिज्जा भी लिया साथ में। और ये पिज्जे की ना गारंटी है कि ये डॉग्स आपका लाइक करेगा ही करेगा। हाँ ये नॉर्मल पिज्जा भी खा लेता है तो ऑब्वियसली इसके टेस्ट का होगा। तो आज शैम्पू तेरी बहुत शॉपिंग होगी है बेटा। और यहाँ शैम्पू ने अपना पिज्जा लिया है, वो देख मेरे को कहाँ लेके चला गया अपना पिज्जा। जब हम मिठाई लेने गए थे ना, ये मुझे कह रहा था कि तुझे वापस जाना वापस जाना, फिर मैंने कहा कि कोई नहीं लेके जाता। अब अच्छा तू रहेगा मेरे पास, मेरी ओर देख के बात कर, तू रहेगा मेरे पास? हाँ। कितने दिन रहेगा? एक महीना। तो सब कामों से फ्री होने के बाद आज बड़े अच्छे से रजनीश कर रहे हैं पूजा, और इधर चल रहा है खाना। स्वाति मैडम सुबह से गए हुए थे और अब घर आए हैं और अब खाना खा रहे हैं। बहुत भूख लगी हुई थी यार। और पीछे का व्यू देखो, दुबई में है हम। दुबई में है नक्कू कनाल, दुबई में है। दुबई में बैठे गाइस, हमने पर्दे नहीं लगाए दुबई वालों ने। और इधर भी खाना खाया जा रहा है। नीरज भी, नीरज के खा लो, यहाँ रख लो इसको, यहाँ रखो और यहाँ बैठ जाओ, अच्छे से खाओ है ना। तो बनाया क्या आपने? पनीर। क्या बनाया? पनीर, मटर पनीर है ना, टेस्टी है। स्वाति कैसा बना? अच्छा शिमला तो उतरी है, यही पास में है। यार आप कुछ ही मुझे शिमला ही जाना। शिमला चलते हैं आप कल? कल देखते हैं, कल बनाते हैं। पक्की सी होती है, देखना कैसे बैठा है। आज मेरी बच्ची नहीं नहीं कल के आई है ना, गंदे बन के थे वहाँ पे। दीदी का तो गला इतना ज्यादा बैठ गया, मेरा बुरा हाल हो गया। मेरा सच में मेरे को टेस्ट करवाना पड़ेगा गले का ना, क्योंकि हल्का सा पानी पीती हूँ ना ठंडा, तो जरूरत नहीं है। हाँ मुक्का मारने से खागट उठ जाए, मुक्का मारो तेरा गला उठ जाए। मार दो भाई, मारता है ऐसे कमेंट आ सकती है ना। नहीं सबको पता, सबको पता आप ऐसे इंसान नहीं। मैं प्रेज कोई नहीं रखता, सब कुछ खा लेता हूँ। प्रेज एक भी चीज का नहीं रखता मैं, बस ऑलवेज प्रेज, अंडे नहीं खाता और ड्रिंक नहीं करता, बाकी सब कुछ। हाँ बम वाले को प्रेज है, प्रेज ये छोड़ के ना, ये ना छोड़ो। अच्छा छोड़ तो जा रहे हो आप, पहले बताओ। दीदी हमारे वकील है, वो ना रात फोन गिर आई थी वहाँ नीचे। अच्छा और कुछ? उसका फोन गाड़ी में रह गया था। आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये लड़की पूरा दिन बिना फोन कर रही है यार, कमाल ही है ना। छेती छेती क्या हो गया? कुतिया खांसी हो रही। एक्सीडेंट हुआ ना? एक्सीडेंट हुआ। देखो तो सही किसी को कोई लगी लुगी तो नहीं यार? लगी है। ऑटो को ऊपर चढ़ा दिया तो वही थे, आगे आगे वो आ गया। मतलब कुछ भी क्या कुछ ला ले? नहीं वो सांड सा था, मैं तब बोल, मेरे को नहीं दिख रहा इतना बड़ा सांड है वो। अरे कोई ना, पहले बहुत गला दीदी का बैठा हुआ है, गला बैठा हुआ था, कुछ भी बोल देगा। मतलब कि मतलब ड्राइविंग मेरा 2002 से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, एक मिनट में बोलते 4 दिन हुआ गाड़ी, अभी तक लाइसेंस बना नहीं है। आ गया डिस्पैच हो गया, डिस्पैच हुआ है, आया नहीं है अभी तक, बल्ले नहीं है। और यार वो डॉक्टर की दुकान भी खुली थी। डॉक्टर पहले तू आंखों वाले की बात सुन, बंद पड़ी है। ऐसे करो आंख और नाक एक ही होता है ना, दोनों वाले के पास चल जाओ, जो आंख नाक गले का एक ही डॉक्टर। हाँ उसकी ENT बोलो सीधा। कहाँ पाया जाता है? पाए कहाँ जाते हैं, कहीं पाया जाता होगा किसी स्लो के डॉक्टर का शोरूम में पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली में। सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन है? कमेंट कमेंट करके बताएं। सच में मेरे को गले की बहुत दिखाना है, मेरे को
कल की कमेंट मेरे हाथ के लिए एक बहन ने बताया था कि मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में बहुत अच्छा डॉक्टर है, कभी दिल्ली गया तो मैं जरूर जाके आऊंगा वहाँ पे। और अब मेरे गले के लिए बता दो, क्योंकि मेरा हर तीसरे दिन गला ऐसे इतना खराब हो जाता है। हर तीसरे दिन गला बैठ जाता है, फिर लठ्ठी मार के खड़ा करते फिर बैठ जाता है। नहीं, नागरिक हॉस्पिटल लिखा हुआ था यहाँ, 6 सेक्टर है ना ये, बिल्कुल 6 सेक्टर। कोई ढंग का डॉक्टर है ना, वो पता क्या बोलेगा, बोले तेरे शांति है थोड़ा और बैठने दे, बोलेगी कुल्फी खानी है सबने। या या या। तो मैं तुम्हारे मुंह की ओर देखूं मतलब ना। हाँ बैठ जा, कुल्फी का खर्चा निकाल ले जब तक तू तुम तो खाना ही नहीं है तुम्हें तो। मैं नहीं खा रही, तुम लोग ही खा रहे हो, हद नहीं करते हो। ऑरेंज नहीं है ये, दूसरी कुल्फी खवा रहे हैं तेरे को चाचू। कौन सी खानी? मैंने नहीं खानी बोला। ओ खा ले पहले, पूरा खराब हो जाए ठीक तो करवाना ही है, पूरा खराब तो कर ले। दिल तो कर रहा है, खा ही लेती हूँ। मैं सोच रही थी कोई धक्का करे, और मैंने चाकू को भी यही लिया। तूने कौन सी ली है नीरज? सेम है ये तो, पिघले जा रही है। भैया इस कुल्फी में क्या डाला हुआ था? बड़ी टेस्टी, अच्छी थी, स्वाद थी। खोया डाला हुआ था, दूध डाल के। खुद बनाते हो? खोया खोया था सिर्फ? हाँ, खोया। और चीनी थी बस, और कुछ नहीं। बहुत टेस्टी थी सच में ये वाली कुल्फी, पंचकुला वालों ने तो जरूर खाई होगी है ना, सबकी बिक्री हो जाती होगी गर्मियों में तो, है ना, खूब चलता काम। चलो अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। क्या भी है इसमें आइसक्रीम? ये पिघलती नहीं है ऐसे जोमेटो से? पिघलते हैं बट मैं ये पास कर रहा, जल्दी जल्दी आ रहा। अच्छा, क्या फैसिलिटी है ना, हर चीज घर पे पहुंचा दो। हम आइसक्रीम खाने पंचकुला पहुंचे हुए थे, लोग घर पे मंगवा लेते। सीरियसली इधर तो आकर गए नहीं जाना। ऐसे कैसे बैठे हो? पागल सोच रहे हो आपको? वो भैया सोच रहे होंगे क्या इंसान टकरा रही। सुना चाबी देकर वापस जाएगा, नहीं किया इसने, मेरे को पता है। हाँ तू बहाने ना मार, घुमा ले उसको आधा घंटा, तू पहले चाबी दे जा के ऊपर बेटा। एक चीज सुनो, किसी भाई ने कमेंट कर रखा है, सुमित को पढ़ने दो, एक कमेंट है। दो बार इन्होंने लाइव साउंड दे दिया, अगर कोई समझने वाला होगा तो समझ लेगा। किसी भाई ने, सुमित कुशवाहा ने कमेंट कर रखा है, भाभी जी आपके लिए दो लाइनें, तारीफ करना फिजूल है, खुशबू बता देती है हमारी, भाभी जी कौन सा फूल है। वाह वाह। तो सुमित भाई आपके भाई के अटक गया आपका फूल। कल 1.5 घंटा ब्यूटी पार्लर में बैठी, इन भाई तो बात कर रहे होगे। हाँ 1.5 घंटा ब्यूटी पार्लर में लगा के जब इसी शक्ल बनी है, अब ये लगा दो इसकी तो वापस किसी होगी। इसी होगी फिर, किसी होगी जैसी हूँ, हद नहीं होगी, बेइज्जती करते हो। मैं भाई का कमेंट रीड कर रही थी, थैंक यू सो मच भाई। ए आज अभी कोई लग जाती बेटा, अरे सच में लग जानी थी बच्चे के, लगी तो नहीं मम्मी लोग बोलूं, चलो अंदर, चलो अंदर, लगी तो नहीं बेटा? नहीं लगी बेटा। लगी है बेटा? नहीं लगी, थोड़ी सी लगा।